तो हम चाहे किसी भी योनि में हो, भगवान स्वीकार करते हैं कि हम आपके हैं गौ। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हम आपके पिता हैं। भगवान हमें स्वीकार करते हैं कि आप चाहे किसी भी योनि में अपने कार्य कर्मों के अनुसार चले जाओ, मगर मेरा और तेरा ऐसा नाता है जो कभी टूटेगा नहीं। एक यही एक संबंध ऐसा है जो जन्म जन्म का साथ है। चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी कैसा भी हमारा स्वरूप हो, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो सदैव रहेगा, जो कभी टुकड़े से भी टूटा नहीं जा सकता। वो कौन सा संबंध है? माता पिता का संबंध पैदा होने से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध विवाह होने से पहले नहीं था, वो भी समाप्त हो जाएगा, है ना। मित्र का संबंध मिलन से पहले नहीं था, झगड़े के बाद खत्म हो जाएगा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का संबंध विवाह जब हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक जीव और कृष्ण का जो संबंध है, कृष्ण का जो हमारे साथ संबंध है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जीव तब तक आनंदित हो नहीं सकता जब तक उस संबंध को रियलाइज करके उस संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं करता।